चूंकि तारीख तकरीबन इन वाकयात को 500 साल बाद बल्कि 560 साल बगदाद इमामू रशीद ने कागज से शुरू करवाई कि उन्हें अपने आप में भी अपने बुजुर्ग में भी शामिल किया। उनको समझ आ गई मेरी बार चार नाम अब्दुल्ला बेटे का नाम रखे, दूसरा बेटा इमरान नाम रखे, तीसरा बेटा अमीर हमजा नाम रखे। जनाबी अब्दुल्लाल बेटा पैदा होया, नाम मोहम्मद रखे। कागज से लिखना चाहो लिखो, प्रूफ टेप इतने बच्चे कर रहे हैं, मौजूद है रिकॉर्ड, वीडियो भी सामने है, त्रै लगे। सब तो ज्यादा पिंडी पढ़ने वाला भी महीना बार बार मही पढ़ना, कल 12 से 362, चलो कल तक कोई आदमी कर लवे, करना चाहे रिसर्च। न्यूजीलैंड इंतहाए मशरके, ऑस्ट्रेलिया इंतहाए जनूबे, नॉर्वे इंतहाई शुमाल। जिद्दा मेरे को इलाज कोई नहीं, कदीमी बारगाह तो लैके रायबिंड तक, रायबिंड तो लैके सऊदी अरब तक, सऊदी अरब तो लैके जामियुल अजहर मिस्र तक जाओ, 72 फिरके दे उलमान खुली छुट्टी है, आदम तो लैके अज तक ये जितना गैप गुजर गया है, ये चार नाम इन किसे दौर चो किसे काफर दे बच्चे दे दिखाओ। कुछ समझ आ रही है यार मेरी गल दी के नहीं? क्या अब्दुल्ला नाम काफर रख दे? क्या इमरान नाम काफर? क्या अमीर हमजा नाम काफर? क्या मोहम्मद नाम काफर? अल्लाह ने जेड़ा नाम रखे है वह तो अहमद है, जेड़ा दादे रखे आए वो मोहम्मद। क्या है काफरों ने बच्चों के नाम? साबित होया बाकी दुनिया को इस्लाम आया है हजूर दे ऐलान करन दे बाद, जिस घर को इस ऐलान तो पहले इस्लाम आई। को समझ आ रही है मेरी गलती के नहीं? चालीस साल के बाद लोगों बुलाया, 400 मर्द औरत इकट्ठा किया, कुछ बुढ़े कुछ जवान कुछ बच्चे। इस तरह हजूर उची जगह से लोगों के सामने बैठ गए, फरमाया मैं तुहाडे कितनी जिंदगी गुजारी 40 साल, पंगा में फरमाया तुम कसम है मेरे हक दी, लोगों मेरा बचपना भी वेख्या है, मेरा लड़कपन भी वेख्या है, मेरा आगाज जवानी भी वेख्या है, मेरी बहारे जवानी भी वेखी है, मेरा अंजामे जवानी भी वेख रहे हो 40 साल जिंदगी, बच्चे तो लैके बुढ़े तक, औरत तो लैके मर्द तक, मैं दाना अपने हक की कसम देना, उठो कोई बंदा मेरे जो गलती 40 साल आई दसो, कोई ऐप दसो, कोई कमी दसो, कोई जुर्म। लोग सरकार फरमाए कोई झूठ मैं बोलिया भी, सरकार फरमाए फिर मैं जिंदगी का सब तो बड़ा सच अज बोलन लगा। इकला है मैं उसका आखिरी रसूल। फिर सुनी भाई इन वास्ते दावत अपील है, क्योंकि अपना सिलसिला ही ऐसा है, दुआ घर लैके मैं चलना, कले घर वास्ते मैं पढ़ना नहीं। जिहड़ा बंदा मजलिस इमाम हुसैन का मुखालफ है, क्या वो अपने घर मजलिस करा देगा? बोलो बोलो बोलो। वो तो महल च नहीं करा देना, वो तो पिंड ही दरखास्त दे आता है जनाब मजलिस करा रहा है, थाने शिकायत कर। हां रोद ऐसे वाकया, जिहड़ा बंदा मजलिस का मुखालफ है वो अपने घर मजलिस नहीं कराण देता, शिया हो सुन्नी हो सिद्धा इलाज को नहीं करो, वजू चलो मस्जिद चो रखो सिर से कुरान रटो वाली दलील सुनो तो फिर वह जवाब दो। आदम तो लैके कयामत तक जिहड़ा किस मिशन का मुखालफ है उसकी अपने घर इजाजत, पीपल पार्टी वाला मर जाएगा, मुस्लिम लीग अपने घर जलसा, भावें उस वेले गिरफ्तार करके दूजे दिन छड़ना पवे जलसा आ गले। कुछ समझ आई गल?
जाओ सारे जहान दे मुसलमानों कबर अपनी रखो वाली समझाना है। मैं दिहाड़े माशर के अपने रसूल के सामने पेश होना है। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा जेड़ा जिस मिशन का मुखालफ हो उस मिशन की इशात की अपने घर इजाजत नहीं देता। सैयद आ नसले रसूल हाँ कावे दा हाजी हाँ इमाम दा जवार हाँ हुसैन दा जाकिर हाँ इन्हां कदमां ते खुदा मेरा नामो निशान मिटाए जिंदा मेरे को इलाज कोई नहीं। मुहम्मद जेड़ा इस्लाम का पहला जलसा किया है आओ तारीख जो वेखिए घर सुफियान का आई कि इमरान का आई ये तो जलसा शिश्ता होनी रही और एक सिलसिला हूं सिद्धा भी राज अगर इमरान इस्लाम से ना ही कहता बेटा बाकी रिश्तेदारी अपनी जगह से यह जलसा अपने घर करा। हां की कसम कुरान की शियां नसीब चंगे थोड़े अल्लाह गैर मासूम दे फेल नो अपना फेल नहीं आखदा। एक कुरान तौरात जबूर इंजील चारे किताबां गवाह ने अल्लाह गैर मासूम दे फेल नो अपना फेल नहीं आखदा। इमरान कोई मुहम्मद नो पाले गेंगे अल्लाह ना आखना पै गया है तू नहीं पालिया मैं पालिया तो। निका बड़ा हजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल तारीख जलालुद्दीन सयूती तो लैके सीरत नबी तक हजूर फरमाया है कोई तुम में से जो इस मिशन में मेरी नुसरत फरमाए। नुसरत यह लुत्फ इस मजमे च आएगा इस गल का आम मजमे च नहीं आएगा। एक मदद एक नुसरत मदद और चीज लोग एक ही समझते हैं एक नहीं। मैं इतने आया मैं क्या जी मेरा मकान गिर गया मेरी इमदाद करो तुम मैंने 1000 रुपया इकट्ठा कर दिता है यह मदद है। मैं क्या मैं इमाम बारगाह बना रहा तुसा मैंने 1000 रुपया दिता है मदद नहीं यह नुसरत है। जिड़ी चीज जात वास्ते दिखी जाए वह मदद होती है जिड़ी मिशन वास्ते दिखी जाए कोई समझ आ रही है गलती कि नहीं। इमाम हुसैन क्यों नहीं आख्या मदद मेरी करो पर मैं हल में नासा रही कि मुझे मदद नहीं चाहिए है कोई जो कयामत तक इस मिशन में शामिल हो जाए समझ आ रही है। फिर मैं है कोई तुम में से जो इस मिशन में मेरी नुसरत करे। उन तसब जेड़ा है वो तसब है वो तसब तसब है जेडी भी किसी खूबी हो तसब नहीं मानी। हुण मुअर्रख ने की चलाकियत की कि जब हजूर ने कहा कि है कोई तुम में से जो इस मिशन में मेरी नुसरत फरमाए तो एक 13 साल का लड़का उठा जिसकी टांगें पतली कद छोटी आवाज नहीं तो उसने अपनी सांस को रोका ताकि मेरी छाती कुशादा हो जाए और पांव के बल खड़ा होकर उसने कहा अना नासिरों का या रसूल।